हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाई गई है। आज रिविजन पॉइंट बहुत ज्यादा आए हैं, तो आज वीडियो देखते ही देखते आप पिछले दिनों के बहुत सारे करंट अफेयर रिविजन करने वाले हो, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही शानदार करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में दी जाती है, आप एमजीटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में जाकर के ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो डेली के डेली। अच्छा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का सफलता बंधन सेल चल रहा है। अगर आप अभी के टाइम पर ईयरली पास इसका लेते हो तो 499 आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आपको 20% का मिल जाएगा डिस्काउंट। 400 में मात्र में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास। इसके लिए आपको कूपन कोड में इंटर करना होगा एमजेटी। याद रखना, बिना एमजेटी कूपन कोड यूज किए आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। कूपन कोड में एमजेटी डालिए, 20% का डिस्काउंट पाइए और टेस्ट बुक के सभी मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर पाएंगे अगले एक सालों तक। और कभी कभी तो लकी जो यूजर होते हैं उनको 14 महीनों का भी मिल जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके जाइए और टेस्ट बुक पास डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए और 20% का डिस्काउंट पाइए अभी के लिए। चलिए बात करते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। देखिए, आप लोग की डिमांड पर एक बार फिर से डिमांड मान ली गई है आखिरकार, ठीक है, आप ही लोग सब कुछ हो। तो 9 अगस्त का देखिए क्विक रिवीजन हम लोग दो लैंग्वेज में कर रहे हैं। आप लोग ने डिमांड किया हुआ था ना कि इंग्लिश में भी लाइए, और एक भाई साहब तो लगातार मतलब वही मैसेज कॉपी पेस्ट करते थे। चलिए, मैं तो आपकी सभी बात मानता हूँ लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आप लोग शेयर भी कर दोगे थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ा रहेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे जो जो सुधार लाया जाता है उसके प्रति मेहनत बढ़ जाती है उसमें, तो आप समझो कि मेहनत हमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको शेयर करना बनता है। प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे, और आज मैं हिंदी वालों को नहीं कहूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे जरूर शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी अब लाया जा रहा है रिविजन पॉइंट भी। चलिए, तो फिलहाल नेशनल जेवलिंग थ्रो डे आपको पता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बन गए हैं और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 12 महीनों के लिए यानी एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। गूगल ने इंडिया की उड़ान नाम का परियोजना शुरू किया है और कन्नन सुंदरम को फ्रांस के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं स्काई लाइट नाम से भारतीय सेना ने एक सैटेलाइट बेस्ड दोस्तों एक अभ्यास किया है, सैन्य अभ्यास किया है जिसमें सैटेलाइट की मदद ली जाएगी। आसियान कंट्रीज ने कहा है म्यांमार के जनरल को कि आप थोड़ा सा बाहर ही रहो, आप शांति के प्रतीक नहीं हो, और आसियान मेंबर्स ने अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए म्यांमार को बाहर कर दिया है, मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। विश्वनाथन आनंद ये फाइड के उपाध्यक्ष चुने गए हैं और फाइड के द्वारा ही दोस्तों 44वां ओलंपियाड कराया जा रहा है और चेन्नई में इस बार आयोजित हो रहा है। पीयूष गोयल जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया हुआ है। इसरो का अभी हाल ही में SSLV-D1 रॉकेट मिशन फेल हो गया है, इसरो ने इसको डिक्लेयर कर दिया है फेल कि अब ये किसी काम का ना रहा। SSLV बोले तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और एक क्रांति थी, फिलहाल न्यू लॉन्चिंग जल्दी होगी। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल के वीडियो का जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नीतीश कुमार रिजाइन एज बिहार चीफ मिनिस्टर, एंड्स टाइज विद बीजेपी अगेन। बीजेपी से इन्होंने टाई अप तोड़ दिया है। यार मुझे लग रहा है ना कि बीजेपी वाले पूरे एशिया में सरकार बनाकर रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल ये नीतीश कुमार जी जो कि 7 बार के सीएम रह चुके हैं बिहार के, 4 बार तो लगातार से हैं, तो इन्होंने अभी वहां पर सियासी संकट को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री के पद से। इन्होंने वहां के गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात करके उन्हें इस्तीफा दे दिया है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में ऐसे ही विवाद चला और अब एकनाथ शिंदे वहां पर नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और वहां के जो उद्धव ठाकरे हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो 243 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा के पास 77 विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है उनके पास 45 विधायक हैं। इन दोनों के अलायंस से ये सरकार बनी हुई थी और अभी फिलहाल जो है देखा जाता है आगे कौन सीएम का चेहरा होगा, कोई अपना बहुमत की दावेदारी पेश करता है या फिर राज्यपाल शासन लगेगा, यानी कि कहें कि अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। फिलहाल बिहार की अगर बारे में बात करें, लोकेशन देख पाओगे यहाँ पर है बिहार, ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और बंगाल से शेयर किया करता है, ऊपर में नेपाल से शेयर करता है अपना बॉर्डर।
पटना इसकी राजधानी है, गवर्नर है यहाँ के फागु चौहान जी, संजय करोल यहाँ के करंट अफेयर चीफ जस्टिस हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, भीम बंधु अभ्यारण भी यहीं पर है। यहाँ के लोक नृत्यों की अगर बात करें तो जाट जटिन डांस है, झुमरी डांस है, ठीक है। और यहाँ की लोक कला में अगर बात करें, लोक कला मैंने आपको बताया था, लोक कला में मधुबनी ठीक है ना, मधुबनी पेंटिंग होती है। इसके अलावा गोदना, यहाँ के लोग गोदना गोदाते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ बिहार, 38 जिले हैं, 243 सीटें हैं, 40 लोकसभा में और 16 यहाँ से जाती हैं सीटें राज्यसभा में। ओके, आगे देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। यहाँ पर देख पाएंगे आप, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स। तो इनके लिए मनाया जाता है, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 1994 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम थोड़ा सा लंबी है, और थीम जब लंबी रहती है तो पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, कम क्या ना के बराबर होते हैं। इस वजह से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लंबी थीम याद करो। तो फिलहाल आप जान पाएंगे आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। वैसे 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मैंने आपको याद ही कराया था। अगस्त मंथ के कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं अभी तक, उनका क्विकली रिविजन करते हैं। 1 अगस्त को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे और एक WWW या वर्ल्ड वाइड वेब डे। फिर 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और नेशनल जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगला डिफेंस एक्सपो अब गुजरात में होने वाला है। डिफेंस एक्सपो होता क्या है इसको समझेंगे आप। एक्चुअली में डिफेंस एक्सपो जो है ना, इसमें भारत ये दिखाता है कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग क्या कुछ नया करने वाले हैं, हम लोग की टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, मतलब अपने डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर प्रदर्शनी करी जाती है। और ये जो डिफेंस एक्सपो इंडिया का होता है ना, ये पूरे के पूरे एशिया में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एक्सपो होता है डिफेंस के क्षेत्र का, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है अगला वाला गुजरात में। कौन सा एडिशन होगा? 12वां ये एडिशन होगा। देखिए शुरू में तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन उसके बाद से आगे चल करके ये भारत के कई और जगहों पर आयोजित किया जाने लगा, जैसे गोवा में, चेन्नई में, लखनऊ में भी हुआ था अपने, ठीक है ना। तो अब गुजरात में होने जा रहा है। इस बार की थीम है पाथ टू प्राइड। क्या है? पाथ टू प्राइड, ये आप याद रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब गुजरात की बात करेंगे। गुजरात यहाँ पर आप मैप में देख पाओगे। अच्छा, इसका कोस्टल बॉर्डर जो है ना, ये भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर वाला राज्य कौन सा हुआ? गुजरात हुआ। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है यहाँ के। गिर नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। और मैंने आपको कैसे याद करवाया था, कक्ष के रण में नल गिरा, ठीक है ना, नल गिरा। तो गिरा से आप याद रखेंगे, ये गिर नेशनल पार्क, और नल से नल सरोवर भी यहीं पर है, और कक्ष जो है कक्ष के नाम से भी यहाँ पर नेशनल पार्क है। जिलों की संख्या है 33। अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। 182 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य है। लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। CSIR इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नला थंबी कलाई सेल्वी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एन कलाई सेल्वी या नला थंबी कलाई सेल्वी ये बन गए हैं दोस्तों CSIR फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर, पहली महिला डायरेक्टर ये बन गई हैं। अब CSIR जो है ना, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अभी तक शेखर सिंह मंडे हुआ करते थे, बहुत ही दोस्तों टैलेंटेड साइंटिस्ट थे डॉक्टर शेखर सिंह मंडे जी, और अब इनकी जगह पर ये होंगी, कलाई सेल्वी होंगी। ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं ऑफ कोर्स, लेकिन शेखर सिंह मंडे अब रिटायर हो गए हैं और इनके बाद अब ये नियुक्त की गए हैं। CSIR जो है ना, बेसिकली जो 38 रिसर्च सेंटर्स हैं उनका एक काउंसिल है, उनका एक संघ है एक प्रकार से इंडिया में, ठीक है। इसकी स्थापना 1942 में करी गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये तो पहली महिला महानिदेशक है, अब पहली महिला को भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों में या कहें कुछ महीनों में जो भी पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनका रिविजन देख लीजिए। अभी हाल ही में K2 जिसे गाडविन आश्रम के नाम से जाना जाता है, उसे फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी वासिफा नाजरीन।
कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में आपने सुना ही होगा, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी, और कमला हैरिस ये भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला उपराष्ट्रपति तो बनी ही है। वही रितु खंडूड़ी दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है। और माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बन गई है, इसको तो आप जानते ही होंगे। केतनजी ब्राउन जैक्सन दोस्तों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। और यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली को भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है। सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं पाकिस्तान की। माया एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। और जानवी डंगोटी ये नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा, जस्टिस बी बी नागरत्ना ये भारत की दोस्तों होंगी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, लेकिन होगी 2027 में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस इंडिया यूएसए इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों आर्या वाल्वेकर ने। आर्या वाल्वेकर यहाँ पर आपको इमेज में दिख जाएंगी, आर्या वाल्वेकर विंस मिस इंडिया यूएसए 2022। तो ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं, और अमेरिका में वर्जीनिया में रहती हैं। न्यूजर्सी में अभी हाल ही में ये आयोजित किया गया था मिस इंडिया यूएसए, और वहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। सेकंड पर रही सौम्या शर्मा जिन्हें रनरअप कह सकते हैं, और सेकंड रनरअप में अगर बात करें यानी तीसरे स्थान पर रही संजना चेकुरी। ओके, पिछले दिनों में जो आए हैं ऐसे मिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन, मिस और मिसेस से रिलेटेड, उनका भी रिविजन बनता है। चलो, तो मिस यूनिवर्स डिवाइन जो जीती थी इनका नाम है पल्लवी सिंह, याद रखिएगा। अभी जो मैं स्टार लगाऊंगा अलग से, ये तो स्टार लगा ही है, एक अलग से मैं लगाऊंगा वो इम्पोर्टेंट होगा। एक मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का जीती हैं, पोलैंड की रहने वाली हैं, इसको आप स्टार लगा लो। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधु जीती हुई हैं, इस पर स्टार लगा लो। मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी, मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी सेट्टी, और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। ये देखिए रेड में जो दिख रहा है और ब्लैक में दिख रहा है, ये रिसेंट के क्वेश्चन है इसलिए दिख रहा है। फर्स्ट मिस इंडिया पर्ल अग्रवाल और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2022 डॉक्टर अक्षिता प्रभु। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा करी। तो दोस्तों गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने घोषणा करी है कि अब हायर एजुकेशन में, गोवा के हायर एजुकेशन में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग, गोवा टू इंप्लीमेंट 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगले एकेडमिक ईयर से ये शुरू होगा। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो गई 2020 में ही, लेकिन अभी देखिए 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी सभी राज्य जो हैं अपने अपने राज्यों में लागू नहीं कर पाए हैं। पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कर्नाटक, 2021 में इसने लागू कर दिया था। दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश, और अभी उत्तराखंड ने भी दोस्तों एक और नई पहल इसके तहत शुरू करी। इन्होंने कहा कि प्राइमरी विद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए हम तत्पर हैं और इसे लागू करेंगे, तो सबसे पहला राज्य यही बनेगा। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद भारत में लागू करी गई, और ये तीसरी शिक्षा नीति है भारत की, ठीक है ना, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, क्लियर। आगे अब गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा आप देखोगे मैप में यहाँ पर है छोटू सा राज्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। पणजी यहाँ की कैपिटल है, प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से सीएम है यहाँ पर, अभी गोवा में भी चुनाव हुए थे और बीजेपी के प्रमोद सावंत ने जीत दर्ज करी है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। दीपांकर दत्ता चूंकि ये बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस, और बॉम्बे हाईकोर्ट यहाँ का भी लगता है, इस वजह से यहाँ के भी ये चीफ जस्टिस हुए। अंसी नेशनल पार्क भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये यहीं पर है, और द डेलो दिवाली नाच घोड़े मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 2 जिले हैं यहाँ पर और 40 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें जाती हैं। अगला, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो देखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये समाप्त हो चुका है, और इस पर मैंने आपको कल वीडियो दी हुई है, तो मैं तो सबसे पहले आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो जा करके देखो कॉमनवेल्थ गेम की, उसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, और साथ ही साथ टॉप 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ तो देख लो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो टॉप 30 क्वेश्चन जरूर देख लेना, जिससे आपका एक नंबर पक्का हो जाए। देखिए कॉमनवेल्थ गेम हुआ, ओलंपिक गेम हुआ, या फिर आप एशियन गेम या फीफा वर्ल्ड कप हुआ, ये सभी ना 4 साल में एक बार कराए जाते हैं,
तो जब 4 साल में एक बार आयोजित कराए जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं, इसी वजह से आपको ये देखना जरूर चाहिए। लिंक मैं कार्ड में छोड़ दूंगा। अगला यहाँ पर देख लेते हैं फिलहाल मोटा मोटा चीज। भारत ने टोटल दोस्तों 61 मेडल जीत रखे हैं इस बार, 61 मेडल टोटल आया, जिसमें भारत को दोस्तों मिले कितने गोल्ड, इस बार 22 गोल्ड मिले हैं भारत को। भारत को इस बार मिले हैं 22 गोल्ड। और ये देखिए स्क्रीन पलटती चली जा रही है अपनी मर्जी से, रुक जाओ भाई। तो 22 गोल्ड जो है इन्होंने जीते हुए हैं, इंडिया ने 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, टोटल 61 मेडल आया है भारत का। भारत मेडल टेबल में चौथे स्थान पर रहा दोस्तों। अच्छा, चौथे स्थान को लेकर के और टोटल मेडल्स की संख्या को लेकर के विवाद छिड़ गया है, कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है इस बार, बहुत बेटर किया है मोदी सरकार में। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मनमोहन सरकार में इंडिया ने बेटर किया था, क्योंकि उस टाइम पर 38 गोल्ड आए थे 2010 में, जब भारत ने होस्ट किया था तब 38 गोल्ड आए थे। तो अब इसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सामने और डाटा रखूंगा जिससे आप लोग डिसाइड करोगे। फिलहाल बर्मिंघम में आयोजित हुआ 2018 का गोल्ड कोस्ट अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 66 मेडल उसमें भारत ने शूटिंग के साथ जीते हुए थे। तो 66 मेडल पिछली बार जीते थे भारत ने और 61 मेडल इस बार भारत को आए हैं। सबसे पहला गोल्ड अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मीराबाई चानू ने जीता था 49 किलो वर्ग में। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कहाँ पे आए हैं या सबसे बड़ा ज्यादा मेडल किस सेक्टर में आए हैं, किस खेल में भारत के, तो आप बताएंगे कुश्ती में आए हैं। कुश्ती में दोस्तों 6 गोल्ड आया था और 6 ब्रॉन्ज मेडल आया है, टोटल 12 मेडल कुश्ती में आए हैं भारत के। ओके, अगला, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी कौन बनी, वो बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों अभी हाल ही में भारत की एक अनोखी पहल का हिस्सा बन गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, माइक्रोसॉफ्ट टू गेट ऑन पब्लिक रेडी ONDC टू लॉन्च सोशल कॉमर्स ऐप। इसका मतलब क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, भारत के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसमें यह किया गया है कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो उनको कैसे एक समान दोस्तों अवसर प्रदान किया जाए। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट ले लो, आप अमेजन ले लो या जो भी ले लो आप, ठीक है ना, वो सभी को एक समान अवसर कैसे प्रदान किया जाए। और उसमें अगर सबसे बड़ी टेक कंपनी की बात करें जो कि बिल्कुल इस लिस्ट में शामिल हो गई है, सबसे पहले इसने हामी भर दी है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अब देखिए बाकी कंपनियां कब तक अप्रूवल पाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है, सत्या नडेला CEO हैं और संस्थापक बिल गेट्स हैं। अगला, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार, देखिए 2022 का ये वज्र प्रहार है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में हो रहा है। इंडिया अमेरिका के बीच में ही आपको पता होगा युद्धाभ्यास भी हुआ था, युद्धाभ्यास भी अभी हुआ, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि रिमपैक भी हुआ, रिमपैक भी आपको याद ही कराया गया था, ठीक है ना, पर्ल हार्बर में। तो रिमपैक, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, ये तीन आप याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फिलहाल ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, 13वां इसका संस्करण था। और देखिए पिछला वाला अगर बात किया जाए, 12वां वाला, तो अक्टूबर 2021 में Washington DC में आयोजित किया गया था, अभी वाला ये अगस्त में आयोजित किया जा रहा है और 13वां, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही दिया हूँ। और एक चीज़ और, बाकी के जो अभ्यास अभी हुए थे उनको भी रिवाइज कर लीजिए। स्काईलाइट भारतीय सेना ने अभी किया, युद्धाभ्यास भारत अमेरिका बताया मैंने, पिच ब्लैक अभी हुआ था जिसमें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था तो कई देश भाग लिए थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस वगैरह। विनबैक्स में भारत और वियतनाम के बीच में हुआ, हरियाणा में ये हुआ। अल नजाह 4 ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। रिमपैक USA एंड इंडियन नेवी के बीच में पर्ल हार्बर में हुआ, अभी बताया मैंने आपको। और ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में अंडमान सागर में हुआ। रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्त, रिवीजन जरूर करते रहो, अगर रोजाना रिवीजन करते रहोगे भले से थोड़ा सा इरिटेशन लगे लेकिन वो चीज़ें याद हो जाएंगी, और याद हो जाएगी अगर तो जल्दी भूलोगे नहीं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नया CFO किसे नियुक्त किया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए CFO दोस्तों नियुक्त किए गए, प्रमोद कुमार। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अपॉइंट्स प्रमोद कुमार एज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक महारत्न कंपनी है, और महारत्न कंपनी की वैल्यू तो अलग ही होती है, समझते ही हो आप। टोटल भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं, और अगर पूछा जाए 11वीं वाली कौन सी है, 11वीं वाली, तो आप बताएंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 11वीं महारत्न कंपनी है। अच्छा, प्रमोद कुमार सीएफओ नियुक्त किए गए हैं, क्या ये महानिदेशक है? नहीं, महानिदेशक अभी भी कांदी कुरुप्पा श्रीकांत जी हैं। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आप कैसे याद रखोगे? देखिए, ये पावर ग्रिड है, पावर से रिलेटेड है, और आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप गुड़गांव में ही बताते हो। तो गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है, तो आप ऐसे याद करो सोलर पावर, क्या? सोलर पावर। सोलर पावर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी और पावर ग्रिड का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, आराम से याद हो जाएगा। क्लियर, कहानी आपको बना लेनी है। तो फिलहाल ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक आजकल नहीं कर रहे हो आप लोग, गुस्सा हो क्या? और शेयर जरूर कर देना। अच्छा, कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, इनको मैं यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिवीजन तो बहुत बार मैंने आपको करा ही दिया है। अच्छा दोस्तों, रक्षाबंधन का ऑफर शुरू हो चुका है एमजेटी ऐप पर भी, और 70% का ऑफर दिया जा रहा है, फेस्टिवल ऑफर 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है आपको आजादी। तो फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। डूरंड कप दोस्तों, ये फुटबॉल से संबंधित है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। राजकीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल नियुक्त किया करता है, बाकी सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब बात करेंगे वो टॉप 10 लोगों की जिन्होंने इन सबके क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दिए थे। तो उनमें कल तो दोस्तों मेरे पास 8 ही लोगों का डाटा आया, कल 8 ही लोगों ने सबसे अच्छा आंसर किया था, बाकी लोगों ने उतना अच्छा आंसर नहीं किया था, जिनमें है निखिल मद्देसिया, स्वर्णेश्वर कुमार, प्रभात खींची और अमित कुमार, रविकांत कुमार, राहुल कुमार, राजन तिवारी और संदीप यादव। ओके, आज आपके लिए क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। आज आपको आंसर करना है दोस्तों, निम्न में से किसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको किसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है ये बताना है। आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सारी चीजें आप बता सकते हो। सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली बार वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।